अमृतसर से सांसद और लोकसभा में डिप्टी लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं अपनी होंद पंजाब में कायम रखने के लिए ललकार रैली का सहारा ले रहे हैं। फिर भले ही पंजाब कांग्रेस उनकी इस हरकत से नाराज ही क्यों ना हो, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटियाला देहाती के विधायक ब्रह्म महिंद्रा के घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की गई। ब्रह्म महिंद्रा का कहना है कि भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली का मकसद पंजाब की अकाली भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा है, लेकिन इसमें पंजाब कांग्रेस की सहमति ना होने के कारण वे रैली में नहीं पहुंच सकते। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में धड़ेबंदी अभी भी मौजूद है। मैं कोई निराश नहीं है जी, और मेरे को लाए ने, मैंने अच्छा लग गया कि कैप्टन साहब मेरे को लाए ने, और एक सीनियर लीडर ने साढ़े हो और तुम बैठे चाह पानी पीता कट्ठे हुए हैं, तो ये जी तुम गल कह दो कि मैं कोई निराश नहीं है। नहीं दो धड़े तो नहीं है जी, ये उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट ही है ये ललकार रैली, जिस सीट की होगी तो पता बाजवा भी जाएंगे, असं भी जाएंगे, सारे जावे। नहीं लेकिन लंच पार्टी का सारा पंजाब के लीडर बुलाया गया ललकार रैली, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच है कि उन्होंने क्यों नहीं बाकी सारे बुलाया। मैं समझदा मैं रात जिस आए थे मेरे को मैं गल भी की जी, सारे बुलाया होंगे तो बड़ा अच्छा होंगे, असं भी आते सारे आते, प्रताप बाजवा जी भी आते, और जे जी गल जिस गल ललकार रैली है या जिस गल लंच रखा गया है कि अकाली दल और भाजपा के खिलाफ स्ट्रैटेजी उन्होंने लड़न ली स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं समझता सारे कट्ठे होकर स्ट्रैटेजी बनाने तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब PPCC वालों नहीं है कि ललकार रैली, ललकार रैली का तो ऐलान ही उन्होंने किया है जी, और AICC के अप्रूवल नहीं हाले ललकार रैली को, क्योंकि जेडे अंबिका सोनी जी जनरल सैक्रटरी इंचार्ज ने कांग्रेस प्रेजिडेंट सोनिया गांधी जी के ऑफिस से, उन्होंने वालों भी ये गल बड़ी क्लीयर होकर आई है कि जे के जे जे सारे सूबे की है तो ये PCC के अंबरेला के थले होनी चाहिए है। जल्दबाजी से चुके कदम है, आई डोंट नो, मैं ये बारे कुछ नहीं कह सकता, वर्कर तो हताश होंगे नहीं, मैं ये बारे कुछ नहीं है, तो कैप्टन साहब ने पूछो उस गल। इंडिया 24 के लिए पटियाला से जसपाल जस्सल की रिपोर्ट।